आज के सेशन में देखें तो तेजी काफी हद तक बैंकिंग शेयरों से लीडरशिप आती हुई दिखी। अविनाश, एक स्पेस जो मजबूत हुई है वो है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों की। पहले ये होता था जिस दिन पेट्रोल डीजल के दाम घटे उस दिन ये शेयर गिरना पक्का है, अब उल्टा होता दिख रहा है। अब जिस जिस दिन ये पेट्रोल डीजल के दाम घटाते हैं उस दिन शेयर बढ़ते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि प्रॉफिट में है कंपनियाँ इसलिए घटा रही हैं। तो ये एकदम ट्रेड ही बदल गया है। अभी भी आप खरीदारी करेंगे कहीं? नहीं, आई थिंक डेफिनेटली अगर लंबा निवेशक है, अगर नेक्स्ट वन ईयर की बात करें तो अनिल जी, मुझे लग रहा है कि जो ईरान का जो डील हुआ है उसका इम्पैक्ट आपको आने वाले 2-3 महीनों के बाद ही पता लगेगा। और क्लियरली क्रूड का आउटलुक एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म नहीं लग रहा है कि क्रूड में कोई इमीडिएट अपसाइड आएगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये फंडामेंटली डेफिनेटली एक अच्छी बात है, क्योंकि क्लियरली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को इसका सबसे ज़्यादा फायदा होगा। मेरे ख्याल से HP BP IOC ये तीनों कंपनीज में काफ़ी टाइम तक हमने देखा था कि रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रेजिस्टेंस हुआ करता था, बट अभी पेट्रोल डीजल में जैसे आपने कहा कि अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी है, LPG और केरोसिन पे भी क्लियरली गवर्नमेंट विचार कर रही है कि थोड़ा सा सब्सिडी का जो मेथड है वो थोड़ा सा अच्छी तरह से इन कंपनीज की फेवर में हो। तो आई थिंक ऑल एंड डन मेरे ख्याल से जो गवर्नमेंट्स के अदर इनिशिएटिव्स है लाइक डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, यहाँ से भी जो LPG का जो कनेक्शन जो जिन्होंने सरेंडर किए हैं या जिनके पास अकाउंट नहीं है यहाँ पे भी थोड़ी बहुत जो पिल्फरेज और लीकेज होती थी वो भी कम हो चुकी है। तो ऑल एंड ऑल मैं लगता हूँ कि अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से FY16 ये इन कंपनीज के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। मेरे ख्याल से कोई भी गिरावट में अगर कोई सॉफ्टनेस में ये कंपनीज अगर स्टॉक्स मिलते हैं तो इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहिए। बिल्कुल, और ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउसेज मान रहे हैं कि इस बार के जो नतीजे आएंगे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के HPCL BPCL IOC के वो काफ़ी शानदार